बताएं, गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, राहुल गांधी को डिप्रेशन की बीमारी है। गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए राहुल गांधी को यह कहा कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी है। अनिल विज का राज्यसभा चुनाव पर बयान सामने आया है, कांग्रेस ने विधायकों को वोट खराब करने की ट्रेनिंग दी है। ये तमाम बातें गृह मंत्री अनिल विज ने कही हैं, रायपुर ले जाकर दी गई वोट खराब करने की ट्रेनिंग। तो चुनाव पर बयान जो है वो दिया गया है, बयानबाजी जो की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधायकों को वोट खराब करने की ट्रेनिंग दी है, रायपुर ले जाकर वोट खराब करने की ट्रेनिंग दी गई है। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, तंज कसते हुए उन्होंने कहा राहुल गांधी को डिप्रेशन की बीमारी है। साथ ही साथ आपको ये बताएं, गृह मंत्री अनिल विज का राज्यसभा चुनाव पर भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने विधायकों को वोट खराब करने की ट्रेनिंग दी है, रायपुर ले जाकर वोट खराब करने की ट्रेनिंग दी गई। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना। अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी को डिप्रेशन की बीमारी है। अनिल विज का राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी जी को डिप्रेशन होगी हुई है और हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। उनको, राहुल गांधी जी को, मेरा भी एक प्रश्न है कि वो बताएं कि 8 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई एक भी अच्छा काम किया तो उसके बारे में वो बताएं। ये कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने अब वो सारों को रायपुर ले गए थे, वहां पर जाके यही ट्रेनिंग दी होगी कि आपने अपनी वोट खराब कैसे करनी है। तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही, क्योंकि जो उनकी पार्टी का अंदर ऑथराइज्ड एजेंट था उसको तो दिखाई होगी, उसने क्यों नहीं पकड़ी, उसने आंखें क्यों बंद कर ली। तो ये कांग्रेस के भीतर बड़ा खेल हुआ है, तो कांग्रेस इससे उलझे और कांग्रेस को करे, हम तो खुश हैं, हम दोनों सीटें जीत गए।